ये जो ड्रेन पाइप है ये प्रॉपरली क्लीन हो चुका है, एक बार ये देखता हूँ क्योंकि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल पढ़ के आपको पता ही चल होगा आज की जो ये वीडियो है ये किस टॉपिक के ऊपर है। तो फ्रेंड्स ये मेरी है i20 2012 मॉडल और इसमें सनरूफ है, तो सनरूफ में लीकेज हो रहा है। तो लीकेज कहाँ से हो रहा है मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। मेरा जो लीकेज है वो यहाँ से पानी आउट हो रहा है और यहाँ से पानी जाते जाते जो स्टेपनी है, स्टेपनी के यहाँ पे पूरा पानी जम जाता है। फिर स्टेपनी के यहाँ पे एक ड्रेन का एक कैप होता है वो निकल के मुझे वो पानी आउट करना पड़ता है। तो मैंने फाइंड आउट किया तो मुझे पता चला कि सनरूफ के जो रियर के जो ड्रेन होल्स है वो पूरे चोक हो चुके हैं और जो फ्रंट साइड है वो ओके। इसलिए मैंने देखो कार कुछ पीछे के डाउन साइड से स्लोप में रखा हुआ है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसके लिए ये देखो मैंने रियर जो ड्रेन पाइप है वो पूरा निकल दिया। ये देखो जो रियर है वो ये देखो ये है और एक साइड ये है, मैंने दोनों निकाला है। ये मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, आपको उस तरह नहीं करना है। तो उसके लिए फिर ये पूरा रूफ़ ओपन करके यहाँ पे एक होता है ड्रेन का कैप, ड्रेन पाइप का ये जहाँ पे वो सनरूफ के कवर को वो पाइप लगता है और एक यहाँ पे होता है, बाकी दो फ्रंट साइड में। मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स जो बारिश का जो पानी होता है वो फ्रंट साइड से आउट होता है क्योंकि जो हमारा इंजन होता है कार का वो फ्रंट साइड से होता है। तो फ्रंट साइड से गाड़ी थोड़ी डाउन साइड में होती है और रियर साइड में हल्की सी अप होती है, उसकी वजह से वो स्लोप के हिसाब से पानी जो है आउट होता है। कभी इनकेस अगर गाड़ी चढ़न पे रहेगी तब उस समय बारिश देगा तो पानी जो है रियर से आउट होता है। तो मुझे अभी मानसून का सीज़न है तभी पता चला कि जो मेरा सनरूफ है वो लीकेज हो रहा है, लेकिन लीकेज इतना हेवीली नहीं हो रहा था, धीरे 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 हो रहा था। बट धीरे धीरे करके भी स्टेपनी के यहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे काफ़ी सारा पानी भर गया था। नॉर्मली मेरा कार स्टिल पार्किंग में होता है बट स्टिल जब कार रन होता है उसी टाइम ये पानी जमा हुआ होगा। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से और यहाँ से जो ये पानी निकल रहा था, ये देखो ये मेरे पास केबल है, ये फ्यूलिड की केबल है। जब मैंने न्यू रिप्लेस किया था तो पुराना वाला मैं रखा था, अभी मुझे काम में आया। मैं क्या करूँगा, मैं सीधा इसमें से डालूँगा और जो भी कचरा है वो क्लीन हो जाएगा। आपके पास अगर केबल नहीं है तो आपको कोई भी बाइक के दुकान से या कार के दुकान से एक्सीलेटर केबल, क्लच केबल मिल जाएगी, वो तो इससे पतली होती है। ये मैंने केबल रखा है, तार आउट नहीं हो रहा है तो ये केबल भी चल जाएगा, जितना कचरा है वो उतना आउट हो जाएगा अभी। और फ्रेंड्स फ्रंट साइड के अगर पाइप चोक रहेंगे तो उसके लिए यहीं से एक्सेस होता है, यहाँ पे एक होल होता है वहाँ पे एक होल होता है, कोई भी कार हो तो वो होल से डायरेक्ट वो तार को डाल के भी फ्रंट साइड का क्लीन हो जाएगा। बट जो रियर साइड का होता है वो सनरूफ का जो रेल होता है वो यहाँ तक होता है और फिर इसके यहाँ से फिर वो पाइप कनेक्ट रहते हैं तो वो एक्सेस जो है यहाँ से मिलता नहीं है, इसके लिए रियर साइड का इतना प्रॉब्लम होता है। अभी मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, ये पाइप के अंदर डाल के मैं ये केबल जहाँ तक जाती है वहाँ तक मैं आगे करता हूँ केबल को, ताकि जो जहाँ पे कचरा है वो क्लियर हो जाएगा और जो मेरा पानी है वो दोनों जगह से आउट होना चाहिए। तो ये देखो फ्रेंड्स तार डालने के बाद ये देखो पानी जो है हल्का हल्का आना चालू हो गया, ये देखो कुछ कीचड़ निकल रहा है पाइप से, ये देखो ये साइड से भी निकल रहा है। अभी फ़िलहाल फ्रेंड्स पाइप थोड़ा अपसाइड में, इसके लिए पानी जो है प्रेशर से नहीं गिर रहा है क्योंकि ये जो पाइप होता है वो टायर के यहाँ पे देखो होल है, कैमरे में दिखेगा नहीं, उसमें से एक्चुअली वो आउट होना चाहिए। ये देखो पानी जो अभी आउट हो रहा है, अभी अगर मैं पाइप ज़्यादा डाउन करूँगा तो पानी जो है प्रेशर से पूरा फिर डिक्की के अंदर ही गिर जाएगा। ये देखो ये पाइप का ये देखो पूरा कचरा, फिर से एक बार मैं पानी डाल देता हूँ क्योंकि जो ड्रेन है वो क्लियर हो चुका है। थोड़ा धीरे धीरे डाल रहा हूँ क्योंकि फिर पानी गाड़ी में गिर जाएगा, देखते हैं यहाँ से पानी। ये देखो फ्रेंड्स ये देखो पानी जो अभी अच्छे से आ रहा है, इसका मतलब ये जो ड्रेन पाइप है ये प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। एक बार ये देखता हूँ क्योंकि ये बुन बुन गिर रहा है, बाकी का यहाँ से आउट हो रहा है।
ये देखो मैं पानी डाल रहा हूँ, तो ये फ्रंट टायर है इसमें से भी ये देखो पानी आउट हो रहा है। फ्रंट का जो ड्रेन पाइप है वो क्लीन ही है, ये देखो ये इतना भी अभी तक क्लीन नहीं हुआ है। फिर से एक बार टायर को डाल देता हूँ ताकि अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये देखो पानी जो अभी प्रेशर से आ गया, अभी पानी डाल के देख, ये देखो फ्रेंड्स जो राइट साइड का ड्रेन पाइप है वो भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। ये देखो पानी जो है प्रॉपरली नीचे आ रहा है, ये देखो तो ये फ्रेंड्स प्रॉब्लम मुझे अभी बारिश में हुआ, क्योंकि हेवी रेन होने के टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा पानी रियर साइड में दिख रहा था। ये देखो अभी भी दिख रहा है, क्योंकि इसके पहले ये देखो पानी जो कुछ यहाँ से आउट हो रहा है। अभी जो है ड्रेन प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। आपको मैं एक बार फ्रेंड्स फ्रंट साइड से भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये ड्राइवर साइड का फ्रंट टायर के साइड का ड्रेन पाइप है, ये क्लीन ही है। अभी लेफ्ट हैंड साइड का देखते हैं। हाँ ये देखो ड्राइवर साइड का लेफ्ट हैंड साइड से भी पानी जो है आ रहा है, मीन्स इसका भी ड्रेन क्लियर है। ये इसका ड्रेन क्लियर था, मैंने चेक किया था जब मैंने ये सनरूफ का ग्लास रबर चेंज किया था। ये देखो आईकार्ड में उसका लिंक है, मैंने अभी रिसेंटली चेंज किया, तभी मुझे पता चला कि मेरे जो रियर साइड के जो ड्रेन पाइप है वो चोक है। अभी फ्रेंड्स मैं ये जो पाइप्स जो निकाले थे वो प्रॉपरली फिक्स कर लेता हूँ। एक ये साइड में है और एक ये साइड में, और वो पाइप को फिक्स करके फिर एक बार लास्ट चेक करता हूँ कि जो मेरा पानी है वो टायर के यहाँ से आउट हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी पाइप को अच्छे से लगा लिया है दोनों साइड के, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये पैनल मेरे से लग रहा नहीं है, ये बाद में मैं ट्राई करता हूँ। अभी एक बार लास्ट ट्राई करते हैं कि जो पानी है वो आउट होता है कि नहीं, तो फिर जो रूफ टॉप जैसे मैंने आपको बोला वो ओपन करके ड्रेन को क्लीन करना पड़ेगा। ये जो पानी मैं डाल रहा हूँ हल्का हल्का गाड़ी के अंदर भी गिर रहा है, क्योंकि ये प्रेशर से आ रहा पानी। ये देखो पानी देखो फ्रेंड्स जो प्रेशर से आना चालू हो गया है। बारिश कितना भी तेज गिरे पानी इतना तेज नहीं आता, ये रबर की वजह से बूंद बूंद पानी गिरते रहता है। अभी एक बार राइट हैंड साइड का चेक कर दे। ये फ्रेंड्स टायर को ऊपर करके भी कर सकते थे, लेकिन वो पाइप निकलता फिर अंदर लगता नहीं। ये देखो फ्रेंड्स राइट हैंड साइड का भी क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड का भी, रियर का मैंने आपको दिखा दिया। अभी जो है मेरा प्रॉब्लम जो है फ्रेंड्स सॉर्ट आउट हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।